राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई जी, जय गो माता। जय गो माता भाई साहब। आज कितनी गायें दिखा रहे हो जी भाई साहब? आज 11-12 गायें। 11-12 गायें दिखा रहे हो आज के इस वीडियो में? जी हाँ जी। हर गाय के बारे में आपसे पूरी जानकारी लेंगे जी। व्यूअर्स, आप भी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, एक एक गाय के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, अंत तक वीडियो में रहिएगा। बेहद खूबसूरत बड़े साइज की अडर की गायें हैं, कुछ ताजा ब्याही भी है, कुछ इनमें ब्याने वाली है। अंत तक वीडियो देखेंगे तो सभी गायों के बारे में डिटेल खुद भाई साहब से लेंगे। इनके डेयरी फार्म का एड्रेस भी आपको बताऊंगा, कीमतें भी इन गायों की जानेंगे। भाई साहब, जो ये गायें आप दिखा रहे हो, इसमें कौन कौन सी नस्ल की है जी गायें? इसमें साहिवाल है, राठी है, साहिवाल है और रेड सिंधी है। दो रेड सिंधी है, दो राठी है, और बाकी साहिवाल है। बाकी साहिवाल जी। ठीक है जी, एक एक गाय के बारे में अभी करता हूँ फोन। एक मिनट में करता हूँ फोन। एक एक गाय के बारे में आपसे डिटेल जानेंगे जी। आप व्यूअर्स अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपका एड्रेस बताइए सबसे पहले भाई साहब। यहाँ का कमीनपुरा 27, जिला श्री गंगानगर, तहसील श्री कर्णपुर, राजस्थान। ठीक है जी। साथ में मोबाइल नंबर और 76270-58169। ठीक है जी। ये नंबर व्यूअर्स मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, इन नंबरों पर संपर्क करके आप इन गायों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। डिटेल एक एक गाय के बारे में जान रहे हैं, अंत तक वीडियो जरूर से देखेगा। ये जो पहले नंबर पे गाय बंधी हुई है जी, इसके बारे में डिटेल दे दो जी। ये साहिवाल है। हाँ जी। ठीक है जी। दूसरा ब्यांत है। दूसरा ब्यांत है क्या जी? हाँ। और मेल काफ है, 12 लीटर दूध है। 12 लीटर दूध है जी। ठीक है जी, 12 लीटर दूध है इस गाय का। और कीमत भी जानेंगे आपसे। 35,000 रुपये कीमत। 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़। 35,000 रुपये डिमांड कर रहे हो आप जी। 35,000 रुपये इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की गई है। खूबसूरत कदकाठी में नीचे काम किया है जी। मेल काफ। मेल काफ बछड़ा इस गाय के साथ। ठीक है, अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। इस गाय के बारे में डिटेल दे दो जी भाई साहब। इसके भी 14-15 लीटर दूध तैयार है। 14-15 लीटर दूध तैयार, बिल्कुल ठंडा दूध है। हाँ। और मेल काफ है, 10-12 दिन की ब्याई होगी। 10-12 दिन की ब्याई हुई है और इसके साथ बछड़ा है जी। मेल काफ है जी। जी ठीक है। ये कौन सी नस्ल है जी भाई साहब? ये साहिवाल। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। ठीक है जी, इसकी भी कीमत बता दो जी। इसकी 85,000 रुपये। 50,000 रुपये जी। ये कितना दूध बना लेगी जी? ये 16 लीटर प्लस जाएगी। और बाकी मेन चीज जयपल भाई जी, अगले की सेवा पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर बढ़िया सेवा, बढ़िया दाना वगैरह। हाँ। कैल्शियम वगैरह तो देगी। अगर हाँ। अपने कहते भी डालना भी कुछ नहीं है, दूध भी दे दे, नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल जायज बात है, आपने बड़ी जायज बात कही है। आप यदि दूध अधिक देने की क्षमता वाली गाय खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि दूध भी ये गाय अधिक दे, तो निश्चित आपको परवरिश भी उस तरीके की करनी चाहिए। मिनरल मिक्सचर दें टाइम टू टाइम गाय को, कैल्शियम दें दूध बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आप इनका रखरखाव और खान पान भी वेल बैलेंस डाइट के साथ करें। काफ़ी शानदार गाय हैं। इस गाय के बारे में डिटेल दे दो जी भाई साहब। ये सेकंड ब्यांत है और साहिवाल नस्ल की है। साहिवाल नस्ल की गाय, मेल काफ है इसके साथ। काफ साहिवाल नस्ल हाँ का ही मेल काफ है, बछड़ा है। अभी 12 लीटर दूध तैयार है, 14 लीटर दूध। ठीक है जी। थनों के बीच उठिया थन है, काफ़ी शानदार है गाय। कदकाठी भी शानदार है, साथ ही साथ कीमत भी जान लेते हैं। कीमत क्या बताइए जी? 45,000। 45,000, 45,000 रुपीज। ठीक है जी। अगली गाय के बारे में डिटेल दे दो। ये रेड सिंधी में आ गई। ये रेड सिंधी में जी, और प्रेग्नेंट है। 16 लीटर दूध दिया इसने पहले। हाँ। अभी दूसरा ब्यांत है इसका। अभी दूसरा ब्यांत है जी, सेकंड लैक्टेशन है। अभी 10 से 15 दिन बाकी है। 10-15 दिन ड्यू है जी। 9 महीने पूरे हो गए, ऊपर अब 10 दिन ले, 12 ले, 8 ले, जितने आपके हिसाब से 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 9 महीने कंप्लीट हो गए। 9 महीने कंप्लीट हो चुकी है। कीमत क्या रखी है इस गाय की? इसकी 55,000 रुपए। 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज जी। अडर बहुत बड़ा बनाएगी, अभी अडर और भी बड़ा बनाएगी। और अगर किसी लेनी हो, कोई डरता हो भाई प्रेग्नेंट है। हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। बुक करा ले, बच्चा देने के बाद भेज देंगे। बच्चा देने के बाद, बच्चा देने के कम से कम 5 दिन के बाद भेजेंगे। 5 दिन के बाद भिजवाओगे। कुछ कस्टमर क्या कहते हैं भाई, आज बच्चा दिया आज लोडिंग कर दो। हाँ। तो उसमें क्या होता है, अभी सर्दी का मौसम है, बच्चा छोटा होता है, गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चा ऑफ हो जाए फिर गाय दूध नहीं देती, उसमें प्रॉब्लम आती है। इससे कोई भी गाय ले तो कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम ले। 5 से 7 दिन का गैप दे आपको, ताकि आप गाय को सेट कर पाओ जी। सेट करने के बाद जाएगी तो बढ़िया रहेगी जी। ठीक है जी। गाय वहाँ जाके खाना पीना चारा कम खाती है, आपके यहाँ किस तरीके का खान पान रखते हो? हमारे तो यहाँ पे चना चूरी होगी। हाँ। और ये बिनोला की खल होगी। हाँ। चना छिलका हो गया। हाँ। चोकर हो गया। हाँ।
और ये गेहूं का भूसा हो गया, ये गेहूं का भूसा जी। और बाकी जैसे ताजी गाय ब्याती है तो उसको कम से कम 200 से 250 ग्राम गुड़ रोजाना दे, गुड़ रोजाना दे। हाँ, 10-12 दिन गुड़। ये गुड़ कच्चा दे या कुछ उबाल के या काढ़ा? जैसे अभी जाके उतरे, थकावट में जाके उतरे तब तो उबाल के दो, नहीं तो 200 ग्राम वैसे सूखा ही खिला दो। गायों को वैसे भी गुड़ और नमक तो खिलाते रहना चाहिए। ठीक है जी, गुड़ डायरेक्ट खिला दे और नमक उसको जो भी फीड चारा हो उसके अंदर मिला के दे दे। और कैल्शियम चालू रखे, कम से कम एक महीना तो रखे। कैल्शियम ब्याने के बाद एक महीना चालू रखे जी। मिनरल मिक्सचर रेगुलर डाइट में रखें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं जी। इस गाय को भी बताइए जी भाई साहब, ये गाय कौन से ब्यांत में? ये फर्स्ट ब्यांत में, दो दांत अभी, फर्स्ट लैक्टेशन है जी। स्वर्ण कपिला, ये स्वर्ण कपिला जी। व्यूअर्स आपको मैं कवर कर भी दिखा रहा हूँ, गाय काफी शानदार कदकाठी की गायें हैं और ये स्वर्ण कपिला है। इसको आज लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन हो चुके हैं जी। ठीक है जी, दूध? दूध अभी 10 लीटर है। 10 लीटर रेडी है? हाँ, बच्चे को पिला के 4 लीटर निकाल रही है। एक लीटर बच्चे को पिला के 4 लीटर निकाल रही है। 4 लीटर एक टाइम का निकाल रही है, 8 लीटर दोनों टाइम का आप अभी निकाल, जितना है उतना ही, जितना है उतना ही बता रहे। ठीक है जी, कीमत क्या रखी भाई साहब इसकी? 45,000 रुपए। 45,000, 45,000 रुपीज। इसके साथ काफ क्या है जी? मेल काफ है। मेल काफ है, बछड़ा है इसका? सीमन का ही मेल काफ है। अच्छा, ये भी सीमन का ही है? हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टरों का टैग वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये आप चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है जी, सीमन का है, टैग लगा हुआ है, सीमन का बछड़ा है और साथ ही टैग भी लगा हुआ है इस बछड़े के। काफी खूबसूरत है गाय, स्वर्ण कपिला है। अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं, ये कौन सी नस्ल में? ये चोलिस्तानी राठी नस्ल में। ये चोलिस्तानी राठी है जी, गदरी राठी भी इसको कहते हैं जी। ठीक है जी, काफी शानदार कदकाठी में ये भी, इसकी भी कीमत जान लेते हैं। ये ब्याई हुई है? ये ब्याई हुई है, 10-12 दिन की होगी। हाँ हाँ, अभी 14 लीटर दूध है। 14 लीटर अभी दूध है जी, 14 लीटर दूध है व्यूअर्स इस गाय का। खोल के मिल्किंग करवा के दोगे जी? हाँ जी हाँ जी, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खोल, 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करवा के दोगे? हाँ जी। काफ क्या है जी इसके साथ? इसके मेल काफ है जी, फीमेल काफ, फीमेल काफ है, बछड़ी है जी, बछड़ी है इस गाय के साथ जी। गाय आपको खोल कर चला कर भी दिखा रहे हैं व्यूअर्स, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कीमत भी जान लेते हैं, कीमत क्या रखी जी भाई साहब इस गाय के लिए आपने? 55,000 रुपए। 55,000, 55,000 रुपए जी। ठीक है, 55,000 रुपए कीमत डिमांड की है। काफी अच्छे कदकाठी में और कलर बड़ा प्यारा है। ठीक है जी, ये चोलिस्तानी है राठी। हाँ, और फीमेल काफ है, 3-4 दिन हो गए बच्चे दिए। अच्छा, ब्याई भी है, ये फीमेल काफ है, बछड़ी है जी, जैसी गाय है वैसी कलर में बछड़ी है। काफी अच्छे कदकाठी में गाय भी, खोल के तोड़ती। ठीक है, इसके भी 12 लीटर दूध तैयार है। इसके भी 12 लीटर दूध तैयार है जी। ठीक है जी, कीमत इसकी बता दो जी भाई साहब। 42,000 रुपए। 42,000, 42,000 रुपीज। 42,000 रुपए इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की है। बार्गेनिंग होगी जी इन कीमतों में? 40,000 रुपए दे देंगे फिक्स प्राइस। 40,000 फिक्स में दे दोगे जी? 2,000 रुपए गुंजाइश है जी। नहीं जाए जी, मांगे बच्चे भी देखो कितनी बढ़िया, 12 लीटर दूध है। बाकी ये चीज अंडर क्वालिटी है। आज की तारीख में इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। आज की डेट में कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। हाइट में, सुंदरता में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बेस्ट गाय कह सकते हैं इसको जी। घर में पालने के लिए कैसी रहेगी जी? बहुत बढ़िया जी, कोई छोटा परिवार है। हाँ। 12 लीटर दूध दे देगी। हाँ। खाएगी कम, दूध ज्यादा देगी। हाँ 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 जी, ठीक है जी, खाएगी कम दूध ज्यादा देगी। राठी नस्ल की गायों की यही खास निशानी है जी, डाइट इनकी काफी कम रहती है और जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, ये बाकी नस्लों की अपेक्षा अधिक रहता है जी। राठी नस्ल की गायों की ये खासियत है। इस गाय के साथ बछड़ी भी है जी, फीमेल काफ है इस गाय के साथ। काफ देख पा रहे हैं आप व्यूअर्स, ये फीमेल काफ है, बछड़ी है इस गाय के साथ। अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं, ये कौन सी नस्ल में जी भाई साहब? ये रेड सिंधी में। ये रेड सिंधी में है जी, खोल दे। ठीक है, ये प्रेग्नेंट है? ये प्रेग्नेंट है, अभी 1 महीना ले जाएगी आराम से। 1 महीना ले जाएगी जी जी, इधर इधर। ठीक है जी, 1 महीना और ले लेगी प्रेग्नेंट। रोक लाए करके, इतना दूध बना लेगी ये गाय? 20 लीटर की गारंटी है इसकी। 20 लीटर की दूध की गारंटी ले रहे हो जी? ठीक है जी, अभी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी चेक करवा के दोगे? ऑर्डर स्टार्ट कर दिया है जयपाल भाई जी, ऑर्डर स्टार्ट कर दिया है। काफी शानदार कदकाठी है गाय, छोटे छोटे सींग है, मीडियम साइज का सींग है, बड़ा हम्प है, भारी जल रहा है, गलकम्बल भारी है, ऑर्डर बहुत बड़ा उतारती है, डेवलप हो रहा है, बहुत ही बड़ा ऑर्डर उतारेगी, बहुत बड़ा ऑर्डर उतारेगी। जैसे जोली है गाय की, उसको देख कर भी आप अनुभव कर सकते हैं कि ऑर्डर बड़े साइज का डेवलप होगा आने वाले दिनों के अंदर। स्वभाव की अभी जैसे ठंडा स्वभाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठंडे स्वभाव की है, हाथ नहीं लगा, ऊंची कदकाठी की और भारी बॉडी स्ट्रक्चर है। कीमत भी जान लेते हैं, कीमत क्या रखी जी भाई साहब? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की है।
गाय काफी अच्छी है, ठंडे सील स्वभाव की है, स्वभाव आप देख पा रहे हैं काफी प्यारा है। प्राइस में इसमें भी बार्गेनिंग होगी जी कुछ? इसमें नहीं होगी जयपाल भाई जी, क्योंकि 20 लीटर वाली 60,000 रुपए जायज मांगी है। 20 लीटर वाली गाय 60,000 रुपए में मिलती नहीं है, ठीक है जी, काफी जायज प्राइस है। भाई प्रेग्नेंट खरीदो जो बच्चा देने के बाद दे दे। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इसको अगर कोई बायर खरीदना चाहे तो बच्चा देने के बाद भी लेके जा सकता है? क्योंकि इसकी अपने को जल्दी नहीं है बेचने की। अच्छा बेचने की जल्दी नहीं है, दूध की आप गारंटी ले रहे हो? बिल्कुल। ठीक है जी व्यूअर्स, ये गाय आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम रोजाना 4 से 5 वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 वीडियो आप रेगुलर पाएंगे। अंत तक आपने वीडियो देखा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और साथ ही साथ टीकू राम जी का भी बहुत बहुत आभार, आपने ऐसी शानदार गाय दिखाई जी। जी राम राम जी, वैसा राम राम, जय गौ माता, जय गौ माता।